guys, how are you? Today we are going to start adverb. Adverb is the fifth member of the parts of speech family. Today we will know about the definition of adverb and example of the adverbs, then kinds of the adverb. Friends, I have already written this so that your time should not be wasted. मैं पहले इसको इसलिए लिख लेता हूँ जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है? Is it okay? तो अभी यहाँ तक हम लोग पहले इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल को देखेंगे, उसके बाद फिर काइंड्स ऑफ एडवर्ब को देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. एडवर्ब जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं. क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब? एन एडवर्ब इज अ वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स दैट मॉडिफाइज वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स. वंस अगेन सी, एन एडवर्ब इज अ वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स. एडवर्ब क्या है? एक वर्ड है या सेट ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. दैट मॉडिफाइज, मॉडिफाइज मीन्स कि कुछ एड करता है, एड समथिंग. हम जैसे अपनी बाइक को मॉडिफाई करते हैं, अपनी किसी थिंग को मॉडिफाई करते हैं, तो उसमें कुछ नया जोड़ना है, यू एड समथिंग न्यू, किसी चीज में नया जोड़ देना. तो मॉडिफाई का मतलब क्या है? एड समथिंग न्यू, कुछ नया जोड़ देना, ठीक है? तो दैट मॉडिफाइज वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स. इसमें किसमें मॉडिफाई करता है, किसको किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करता है, इवन अदर जो एडवर्ब सेंटेंस के अंदर यूज हुए हैं उनको भी मॉडिफाइज करता है. इज इट क्लियर? इट टेल्स वेन, व्हाट, वेयर, हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म. क्या क्या बताता है हमको, क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे तो हमको एडवर्ब पता चलेगा. कि इट टेल्स वेन मीन्स कब, टाइम ऑफ द एक्शन. व्हाट, क्या एक्शन क्या हुआ ये बताता है. वेयर, प्लेस ऑफ द एक्शन कहां पर हुआ. एंड हाउ, मैनर ऑफ द एक्शन, किस मैनर में एक्शन हैपन हुआ. इज इट क्लियर? एंड एक्शन इज परफॉर्म, ठीक है, ओके. और इंडिकेट्स द क्वालिटी, और इट इंडिकेट्स द क्वालिटी और डिग्री ऑफ द एक्शन. या तो वो एक्शन की क्वालिटी को इंडिकेट करता है, डिस्क्राइब करता है, या एक्शन की डिग्री को बताता है कि किस डिग्री में एक्शन हुआ. जैसे मैं बोलूं फास्ट, फास्ट मीन्स होता तेज, लेकिन मैं बोलूं वेरी फास्ट, तो डिग्री उसकी बढ़ी कि नहीं, एक्शन की, एक्शन की डिग्री बढ़ गई. तो ये डिग्री को भी बताता है और उसकी क्वालिटी को भी बताता है. लेट्स सी वंस अगेन without any confusion, without any hesitation. If any doubt is there, any hesitation is there, you can write in the comment box. I will make your concept clear later. मैं आपको answer दूंगा. You can message me, you can comment in the comment box. Also, you can tag me a message. An adverb is a word or set of words that modifies, as I told you, modifies means add something new. Verbs, adjectives and other adverbs. किसको किसको modifies करता है? Verbs को modify करता है, adjectives को modifies करता है, other adverbs को भी modifies करता है. Is it clear? And it tells us. What tells us? Adverb tells us. Adverb tells us when, what, where and how an action is performed. कब, क्या, कहां और कैसे किसी काम को किया गया, कोई काम हुआ, कैसे परफॉर्म किया गया, इन चीजों के बारे में बताता है. When means time of the sentence, what means action of the sentence, where means place of the adverb and how means manner of the action. The time of action, what action and where action means place of the action and how means manner of the action. Is it clear? An action is performed. In the other way you can say it also indicates the quality or degree of the action.
Is it clear? Let's see some of the example. I hope it is clear to you all. Definition is clear to all. Let's see the example. Or more clear ho jayega isse. You will be more clear after seeing the examples. Robin is always hungry for success. Robin is always hungry for success. अब मैंने आपको अभी बताया ना, अभी हम लोग काइंड ऑफ एडवर्ब पढ़ेंगे, तो उसमें होता है एडवर्ब ऑफ टाइम. क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो अब यहां क्या है? रॉबिन इज ऑलवेज हंग्री फॉर सक्सेस. तो ये हंग्री वर्ब है और हंग्री को ये ऑलवेज इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है. ये इसकी फ्रीक्वेंसी को बता रहा है कि एक्शन की फ्रीक्वेंसी जो है ऑलवेज मींस क्या होता है? हमेशा, एवरी टाइम. तो रॉबिन हमेशा, रॉबिन को किस चीज की हमेशा भूख है? उसको सक्सेस की भूख. यहां हंग्री जो है उसका मतलब उसको सक्सेस की भूख है और इसको हमेशा ऐड कर देता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ब को बढ़ा देता है. इज इट क्लियर? तो ऑलवेज क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. यहां पे एडवर्ब क्या है? ऑलवेज. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. ही इज रनिंग फास्ट. अभी क्या है? सब्जेक्ट है. इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. रनिंग क्या है? मेन वर्ब है. और फास्ट क्या है? जो वर्ब को डिस्क्राइब, जैसे मैं फास्ट रिमूव कर दूं यहां से तो ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है. लेकिन अगर फास्ट को ऐड कर दोगे तो ही इज रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है. अभी तक दौड़ रहा है, काम हो रहा था, तेज दौड़ रहा है. लेकिन जैसे हमने फास्ट को ऐड किया तो वह तेज दौड़ रहा है. तो वर्ब में कुछ नया ऐड किसने कर दिया? फास्ट. अभी तक दौड़ने का काम हो रहा था, अब तेज दौड़ने का काम होने लगा. उसकी मीनिंग चेंज हुई थोड़ा सा, उसकी जो एक्शन की डिग्री थी उसमें चेंज हुआ, तेज दौड़ रहा. इज इट क्लियर? तो यहां पे एडवर्ब क्या है? फास्ट. क्या है? फास्ट. कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा. तो ये दौड़ने के मैनर को बता रहा है. इज इट ओके? अमन वॉक्स हार्ड. अमन वॉक्स हार्ड. जैसे मैं यहां हार्ड रिमूव करूं तो अमन वॉक्स, अमन काम करता है. लेकिन हार्ड को ऐड कर दो तो अमन वॉक्स हार्ड. अमन कठिन कार्य करता है, कठिन परिश्रम करता है, कठिन वर्क करता है, हार्ड वर्क को करता है. ठीक है? तो अभी तक काम करता था, अभी इसमें ऐड कर दिया हार्ड, तो कठिन काम करता है, मतलब ज्यादा सीरियसली और सिंसियरली हार्डली वर्क कर रहा है. ठीक है? परिश्रम कर रहा है. तो हार्ड क्या है? ये भी एडवर्ब है और उसके वर्क के मैनर को बता रहा है. जैसे ही रोट दैट विलिंगली. ही रोट दैट विलिंगली. अब यहां रोट वर्ब है लेकिन इसको डिस्क्राइब कौन कर रहा है? विलिंगली. कैसे लिखा? विलिंगली, जब उसकी इच्छा हुई, अपनी इच्छा से लिखा विलिंगली. ठीक है? तो विलिंगली क्या है? एडवर्ब. क्या है? एडवर्ब. इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ वी विल सी द काइंड्स ऑफ एडवर्ब. अब हम लोग क्या देखेंगे? Kinds of adverb देखें. Is it okay? Before that, I would like to clean the bowl. There are six kinds of adverb. There are more than six kinds of adverb, but we will see the six kinds of adverb. Is it okay? First, adverb of manner. Adverb of manner. Second, adverb of time. Third, adverb of place. Fourth, adverb of degree. Adverb of degree.
verb of frequency. Adverb of frequency. So, adverb of manner, adverb of time, place, and adverb of degree, adverb of frequency. And there is a conjunctive adverb. Sixth number, conjunctive adverb. Conjunctive. Is it okay? So these are the six kinds of the adverbs. Let's see. First one is adverb of manner. Second is adverb of time. Third is adverb of place. Fourth is adverb of degree. Fifth is adverb of frequency. And sixth is conjunctive adverbs. Is it clear? So, adverb of manner, what is adverb of manner? An adverb which tells us about the manner of action. An adverb which tells us about the manner of action. Just say, see, she writes beautifully. Beautifully. तो अभी यहां पे सी क्या है, सब्जेक्ट है, राइट्स क्या है, वर्ब है, ब्यूटीफुली क्या है, एडवर्ब है. और आपको मैं बता दूं कि मोस्ट ऑफ द एडवर्ब जो बनते हो एलवाई वर्ड के अंदर एलवाई एड होता है तब बनते हैं, या तो उसमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हम जोड़ के बनाते हैं. कौन कौन से स्पेसिफिक वर्ड जो एलवाई में एंड होते हैं, जैसे फ्रेंडली. एलवाई में क्या लिखेंगे, फ्रेंडली. अब ये फ्रेंड से फ्रेंडली बन गया. फ्रेंड क्या था, नाउन था, लेकिन उसको हमने एलवाई एंड कर दिया, फ्रेंडली बन गया. जैसे फ्रेंडली हो गया. सिंसियर एक वर्ड है, सिंसियर. अब इसी में एलवाई एड कर दो, सिंसियर भी हो जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा. इज इट ओके? तो मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स एलवाई एड करके बनते हैं. इसके अलावा भी और कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो एलवाई में एंड नहीं होते हैं, उनको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. अभी हम लोग इनके टाइप्स को ही समझ लेते हैं, ठीक है? तो सी राइट्स ब्यूटीफुली. सी राइट्स ब्यूटीफुली सी सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है. और राइट को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? अभी मैं इसको ब्यूटीफुली को अगर रिमूव कर दूं, सी राइट्स वो लिखती है, और अगर इसको लगा दूं, ऐड कर दूं ब्यूटीफुली को, तो सी राइट्स ब्यूटीफुली, वह सुंदर लिखती है, वह सुंदर लिखती है, सुंदरता पूर्वक लिखती है, ठीक है? तो दिस इज टेलिंग द मैनर ऑफ द एक्शन. कैसा लिख रही है? ब्यूटीफुली लिख रही है. तो इस एक्शन के, इस राइटिंग के एक्शन को, उसके मैनर को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? ब्यूटीफुली. तो ब्यूटीफुली क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ टाइम, एन एडवर्ब विच डिस्क्राइब द टाइम ऑफ एक्शन. जैसे व्हेन वर्ड आया था, हमने आपको डेफिनेशन में ही बताया था व्हेन, ठीक है? आई मेट माई फ्रेंड इन यूनि. इन यूनि आई मेट माई फ्रेंड इन यूनि. मैं अपने दोस्त से शाम को मिला. तो अब एक्शन कब हुआ? इन यूनि. तो यहां एडवर्ब ऑफ टाइम क्या हुआ? इन यूनि. इज इट क्लियर? फिर लाइक दिस एडवर्ब ऑफ प्लेस, एन एडवर्ब विच टेल्स अस अबाउट द प्लेस ऑफ द एक्शन. एडवर्ब विच टेल्स अस अबाउट द प्लेस ऑफ द एक्शन. एक्शन कहां पे हैपेंड हुआ, जो हमको इसके बारे में बताया, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस. जैसे वी प्लेड आउटसाइड, वी प्लेड आउटसाइड, हम लोगों ने बाहर खेला. कहां खेला? बाहर खेला. तो आउटसाइड क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस.
यहाँ वी प्लेड, हम लोगों ने खेला, अगर एज में ऐड कर दिया आउटसाइड, हम लोगों ने बाहर खेला, तो इसके प्लेस को कौन बता रहा है इस एक्शन के? आउटसाइड। तो आउटसाइड क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। फिर एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है एक एडवर्ब में ही ऐड होता है, कैसे? ही इज, ही इज वेरी, अच्छा ये एडवर्ब में भी और इसमें एडजेक्टिव में दोनों में ऐड होता है। He is very intelligent. अब देखो मैं यहां पे he is very intelligent, ही क्या सब्जेक्ट? इज वर्ब, और very intelligent जो है very adverb है, intelligent adjective है, ठीक है? He is intelligent, वो बुद्धिमान है, तो उसका ये adjective है, और इसको modify कौन कर रहा है? Very। इसकी डिग्री को बढ़ा रहा है कौन? Very। कैसे? Is, अगर मैं very को remove करूं, he is intelligent, वो बुद्धिमान है, लेकिन वेरी को ऐड कर दो तो बहुत बुद्धिमान, उसकी डिग्री जो है उसकी बुद्धिमानी की, उसकी विजडम की, उसको बढ़ा पाना है वेरी, तो वेरी क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की ये हाउ ऑफन द एक्शन इज हैपन, अ वर्ड विच टेल्स अस हाउ ऑफन द एक्शन इज हैपन, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कैसे? सी नेवर कम्स, सी नेवर कम टू मी, वह कभी मेरे पास नहीं आती। तो यहां नेवर मतलब कभी नहीं, सी नेवर कम टू मी, वो मेरे पास कभी नहीं आती। तो नेवर क्या है? फ्रीक्वेंसी बता रहा है, मतलब कभी नहीं। हाउ ऑफन मतलब नेवर, जैसे आई ऑलवेज टीच यू, आई ऑलवेज टीच यू, तो अब कब कब टीच करता हूं मैं? ऑलवेज, हमेशा। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? हमेशा। जैसे एक फ्रेज होता है बार्किंग डॉग, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, सेल्डम बाइट, ये इंग्लिश का फ्रेज है कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी काटते। तो अब यहां क्या है? बार्किंग, बार्किंग डॉग है, और सेल्डम क्या बता रहा है? कि कभी कभी, हाउ ऑफन द एक्शन हैपन, तो सेल्डम क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। Now we will see the conjunctive verbs, ठीक है? Conjunctive adverbs. Before that, I'll erase these, clean the board. Then we will see the last one, that is conjunctive adverb. Okay? What is conjunctive adverb? Conjunctive adverb connects phrase or independent clauses. ये क्या होता है? It connects the phrase or independent clauses. That is called conjunctive adverbs. ठीक है? It provides the transition between ideas and shows the relationship. कैसे? एक एग्जाम्पल देखते हैं। इट रेंड लास्ट नाइट, नेवरदीलेस, इट रेंड लास्ट नाइट नेवरदीलेस द फाइनल हैज नॉट बीन इनएक्टेड, Nevertheless, the final match has not
इज इट ओके। तो यहां पे नेवर्थलेस क्या है, ये कंजक्टिव एडवर्ब्स है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड देर आर सम सेरेमनीज एंड द साउंड इज कमिंग, सो आई वुड लाइक टू एंड माई सेशन हियर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।